नमस्कार, मैं हूं लुभाना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। रुक करते हैं खबरों की और सबसे पहले नजर डालेंगे नारेहिड़ा की ओर। कुरपुतली विधायक व स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने नारेहिड़ा स्थित 15,72,51,000 रुपए की लागत से बनने वाले 132 केवी पावर ग्रिड स्टेशन का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने बताया कि इस सब ग्रिड स्टेशन के निर्माण से लगभग 2,779 लाख यूनिट प्रति वर्ष विद्युत चीजें अपने कभी आ सकेगी, तो वही लगभग 1,116 लाख रुपए प्रति वर्ष राजस्व में बचत होगी। इसके साथ साथ इस पावर ग्रिड स्टेशन के स्थापित हो जाने के बाद ग्राम नारेहिड़ा, शकल्ला, वास, प्याला, पानेड़ा, चिमनपुरा सहित क्रशर जोन क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में समुचित सुधार हो सकेगा। नारेहिड़ा कुतपुतली विधायक एवं मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के द्वारा आज नारेहिड़ा कस्बे में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए एक और जहां 132 केवी पावर ग्रिड का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया, तो वहीं विधायक कोष से बनी 5-5 लाख की नवनिर्मित सीसी सड़क का उद्घाटन किया गया। उसके उपरांत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नारेहिड़ा को हिंदी माध्यम से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम से रूपांतरित किए जाने को लेकर राज्य मंत्री द्वारा फीता काटकर प्रिंसिपल पूनम यादव को नवीन सत्र की शुभकामनाएं प्रेषित की गई, तो वहीं ग्रामीणों द्वारा राज्य मंत्री को सम्मानित किया गया। रुक करते हैं कुरपुतली की ओर। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं आओ साथ चले संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक विष्णु मित्तल ने कहा कि पर्यावरण के बिना मानव जीवन की कल्पना अधूरी है। जितना पर्यावरण दूषित हो रहा है उतना ही प्रकृति आपदाओं से हम घिरते चले जा रहे हैं। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा सड़क, बिजली, पानी व स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु राष्ट्रीय संयोजक विष्णु मित्तल ने उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सरपंच उमेश यादव, सब सरपंच मातादीन सिंह तवर, कैलाश चंद्र शर्मा, मुकेश सेन, विक्रम शर्मा, भरत सिंह प्रबोध, नारद बीड़ा, जासिक बीड़ा, किशोर गुजर, रामजीलाल माजिद, दिलदार बरूज बीड़ा, शिवचरण सलीम खान व गिरधारी कुबावत, मदन बीड़ा, कल्याण बीड़ा, मदनलाल महेश सेन, हमीद आदि ग्रामीणों द्वारा भावाचार विष्णु मित्तल का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। रुक करते हैं कुरपुतली की ओर। द राजस्थान इंटरनेशनल स्कूल के 16वां स्थापना दिवस के अवसर पर निर्देशक मधुर सिंह यादव ने दीप प्रज्वलित कर सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज ही के दिन 15 वर्ष पूर्व विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय रामजीलाल की प्रेरणा से इस विद्यालय की नींव रखी गई थी। विद्यालय की नींव रखी जाने के पीछे जिन उद्देश्यों को हम लेकर चल रहे थे उन्हें हम सब ने मिलकर पूरा करने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए हम दृढ़ संकल्प है। नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। एक और जहां पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कोहराम मचा है, तो वहीं जिसे देखो वहीं डिप्रेशन में जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन राजसमंद जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के वायरल हुई वीडियो को देखकर लगता है कि बीमारी से बचे बीमारों से नहीं, खुशी किसी लम्हे की मोहताज नहीं होती। क्या फर्क पड़ता है डांस हॉस्पिटल में करें या बारात में। एक नजर डालते हैं अलवर की ओर। यूजीसी की ओर से जारी नई गाइडलाइन को लेकर अलवर फेडरेशन ऑफ इंडिया की अलवर इकाई द्वारा राज्य कृषि भरथरी मत्स्य विश्वविद्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर फेडरेशन नेता पंकज सावरिया ने कहा, राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को प्रबोध किए जाने के उपरांत यूजीसी द्वारा परीक्षाएं करवाए जाने की नई गाइडलाइन जारी की जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। संसाधन विकास मंत्रालय, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों की परीक्षाएं रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। छात्रों की परीक्षाएं रद्द करो, रद्द करो।
रुक करते हैं नारहेड़ा की ओर। कोटपुतली विधायक एवं वोटर कार्य राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के द्वारा आज नारहेड़ा कस्बे में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए मीणा के मोहल्ले में विधायक कोष से बनी 5-5 लाख की नवनिर्मित सीसी सड़क का उद्घाटन किया गया। एक नजर डाल लेते हैं पापचा की ओर। ब्रकपुरा थाना प्रभारी नंदलाल जाके ने बताया कि 13 अक्टूबर 2019 सिद्धार्थू यादव निवासी ठीकरिया, 23 अक्टूबर 2019 मुकेश कुमार निवासी विजयपुरा, 3 जनवरी 2020 दीपक सिंह राजपूत निवासी राजनोता द्वारा बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसपी शंकर दत्त शर्मा व एएसपी रामकुमार कस्वा के मार्गदर्शन में चोरी के एक आरोपी सहित 3 खरीदारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के लिए इंदौरिया टाइम्स में बस इतना ही। देखते रहिए इंदौरिया टाइम्स।